अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान खान फ्रॉम नमल कराची कैंपस। इस्लामाबाद मेन कैंपस की तरफ से रिक्वायरमेंट लेकर बिग ब्लू बटन को यूज़ करना है लाइव क्लासेस के लिए और ऑनलाइन सेशंस के लिए। तो बिग ब्लू बटन LMS के अंदर एक फैसिलिटी है जो हम यूज़ कर सकते हैं लाइव सेशन और लाइव क्लासेस लेने के लिए। जब टीचर्स अपना LMS पे लॉगिन होते हैं तो उनके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड उनका होता है। डैशबोर्ड के जो टॉप पे होते हैं वो टैब्स बने हुए हैं, उसमें कॉन्टैक्ट हेल्प और रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट होता है। सबसे टॉप पे उनका नाम आ रहा होता है, कौन से यूज़र हैं वो, उनकी प्रोफाइल वगैरह, और लेफ्ट साइड के ऊपर डैशबोर्ड के अंदर जो जो चीज़ें हैं वो शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे माई कोर्सेस शो हो रहा है और नीचे कोर्सेस लिखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से अपना कोर्स चॉइस कर सकता हूँ, कोई सा भी जिसके लिए मुझे ऑनलाइन क्लास क्रिएट करनी है। यहीं यहाँ पर भी कोर्सेज शो होते हैं फ्रंट पे भी, पर मैं जो हूँ वो लेफ्ट साइड से कोर्स चॉइस कर लेता हूँ। डिप्लोमा CPC फर्स्ट कोर्स, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे कि टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 है, टॉपिक 4। तो टॉपिक 3 के अंदर मैं रिसेंटली एक क्लास अपने इसी प्रैक्टिस के लिए ले चुका हूँ। टॉपिक 4 पर आज हम न्यू क्लास लेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है, बिग ब्लू बटन को यूज़ करने के लिए हमें अपने कोर्स में आने के बाद राइट साइड पे यहाँ एक सेटिंग का आइकॉन होता है, एक्शन मेन्यू, उस पर क्लिक करना है और टर्न एडिटिंग ऑन, टर्न एडिटिंग ऑन पर क्लिक करना है। टर्न एडिटिंग ऑन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे टॉपिक 4 का जिस पर आज हमें क्लास लेनी है, तो उसके सामने आप देखेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन होगा, उसके साथ ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। ऐड एन एक्टिविटी रिसोर्स, उसका की एक पॉपअप विंडो ओपन होगी, उस विंडो के जो सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन असाइनमेंट है, सेकेंड ऑप्शन है ये ब्लू कलर का, इसमें एक आइकॉन बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐड अ न्यू बिग ब्लू बटन इन टॉपिक 4। तो जनरल सेटिंग्स हैं, विजुअल क्लासरूम नेम कर दें, जैसे इंग्लिश इंग्लिश फर्स्ट ऑनलाइन क्लास। इसके नीचे ऑप्शन आता है एक्टिविटी रूम सेटिंग का, तो यहाँ पे शो मोर करेंगे तो यहाँ पे आप वेलकम नोट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी क्लास की, वेलकम टू माई स्टूडेंट्स, वी लर्न टू गैदर, थैंक यू। आप इसको अपनी मर्जी से बड़ा कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, इसको बोल्ड कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जिनको आप यूज़ करके जितना चाहें इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। एक्टिविटी रूम सेटिंग्स हैं, इसके अंदर आप वेलकम नोट लिख सकते हैं स्टूडेंट्स को, रिकॉर्डिंग सेटिंग्स हैं उनको आप ना छेड़ें, और नो सेटिंग्स कैन बी एडिट ऑप्शन भी नहीं है। पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स के अंदर आप देखेंगे ऐड पार्टिसिपेंट्स, जो भी आपके इनरोल्ड ऑल यूजर यानी अपने तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट होता है उसको रहने दीजिए। पार्टिसिपेंट लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि ऑल यूजर्स जो इनरोल्ड यानी आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एज अ व्यूअर इस सेशन को ज्वाइन करेंगे, और जो यूज़र है मोहम्मद इशार यानी जो इनका ये अकाउंट है उन पर मैं काम कर रहा हूँ उनका नाम है, पर ऑटोमेटिक शो रहा होगा, वो मॉडरेटर होंगे, यानी मॉडरेटर जो होते हैं उनके पास कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं वो। शेड्यूल फॉर सेशन, ज्वाइन ओपन, ज्वाइन क्लोज, इन दोनों ऑप्शन को आप इनेबल कर दें यहाँ पर चेक लगाकर। जो ज्वाइन ओपन का जो टाइम होगा और डेट होगी वो करंट डेट और करंट टाइम आ रहा होगा, ज्वाइन क्लोज का टाइम आप अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं, यानी जब भी आपको क्लास और सेशन लेना है उस वक्त आप उस वक्त उसका वो टाइम और वो डे इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लोज का टाइम भी आप जैसे 1 घंटे की क्लास लेनी है या 30 मिनट्स की, जितने भी मिनट्स आप क्लास लेनी है उसके हिसाब से आप सेशन को बना सकते हैं, यहाँ पे दोनों टाइम दे सकते हैं। तो मैं जैसे अभी करंट टाइम ज्वाइनिंग का और ऑफ टाइम मैं कर देता हूँ 2 बजे का, और उसको ऐसे बाकी चीज़ों को ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, और सेव एंड डिस्प्ले क्लिक किया मैंने, तो आप देखेंगे कि मेरी क्लास क्रिएट हो चुकी है, इंग्लिश फर्स्ट ऑनलाइन क्लास, वेलकम टू माय स्टूडेंट्स, वी लर्न टुगेदर, थैंक यू, और ये ज्वाइन सेशन का एक ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पे। आप इस बटन पे सिंपल क्लिक कर लीजिए तो आपको बिग ब्लू बटन
विंडो ओपन हो जाएगी। तो जनाब आप अब आ चुके हैं बिग ब्लू बटन को ओपन कर चुके हैं। इसमें तीन पार्ट हैं। सबसे पहला ये जो पोर्शन है ये प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन का पोर्शन है, सेकंड जो पोर्शन है ये पब्लिक चैट का है, और जो लास्ट में है ये मैसेजेस का है। और यहाँ पे आपके यूजर्स जो भी स्टूडेंट्स आपको ऑनलाइन होंगे वो यहाँ शो होंगे। अभी कोई स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं है, इसलिए सिर्फ मॉडरेटर यानी जिसने क्रिएट किया क्लास उसका नाम शो हो रहा है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे वो यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। जो ये चैट पब्लिक चैट का एरिया है यहाँ पे आप जब भी कोई कुछ लिख कर टाइप करेंगे तो वहाँ आपके स्टूडेंट्स हो जाएगा। आपके स्टूडेंट आपसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं यहीं पे। ये चीज़ स्टूडेंट्स के पास भी शो होगी और आप उसको यहाँ के ही आंसर भी कर सकते हैं। अच्छा आप आ जाते हैं ये प्रेजेंटेशन एरिया में। प्रेजेंटेशन एरिया के अंदर आपको नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आप अपनी शेयर योर स्क्रीन यानी ये ऑप्शन जो है ये आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना शेयर वेबकैम यानी अपना वेबकैम ओपन कर सकते हैं। मैं अलाउ कर देता हूँ यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक मेरा वेबकैम डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से आप शेयर स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका वेबकैम भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसी तरह अपने स्टूडेंट्स आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी शो हो रहा होगा। सेकेंड ये है कि ये है आप म्यूट कर सकते हैं माइक माइक को चाहे तो You are now muted. You are now unmuted. ये अब अनम्यूट है। उसके अलावा आप देखेंगे कि एक प्लस का साइन होगा। ये प्रेजेंटेशन एरिया। अच्छा मैं पहले अपना वेबकैम ऑफ कर दूँ ताकि एरिया कुछ बड़ा हो जाए। तो ये एरिया है यहाँ पे आप इसको सिंपल मिनिमाइज करेंगे। यहाँ से स्लाइड टू पे जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो आपको व्हाइट बोर्ड शो हो जाएगा। दिस स्लाइड लेफ्ट ब्लैंक फॉर व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे आपको राइट साइड पे टूल्स दिखेंगे जो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल है, अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। और सबसे लास्ट में जो ऑप्शन है तो यहाँ मैं चाहूँ तो अपने किसी स्टूडेंट को भी अलाउ कर सकता हूँ इस ऑप्शन को यूज़ करके कि वो व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ करे या कुछ लिखे। जैसे मैंने इस पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरा नाम आने लग गया। अभी कोई दूसरा अगर स्टूडेंट्स आएगा तो उस स्टूडेंट का नाम आ रहा होगा, ये शो भी हो रहा होगा कौन से स्टूडेंट ने ये काम किया है। मैं चाहूँ तो इसको ऑफ कर दूँ, सिंपल इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकता हूँ मैं। वापस मैं अपनी प्रेजेंटेशन एरिया पे भी जा सकता हूँ। व्हाइट बोर्ड के व्हाइट बोर्ड है, मैं तमाम एरिया को ख़त्म करना चाहता हूँ, सिंपल डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और ये क्लियर हो जाएगा। फिर मैं प्रीवियस स्लाइड पे आऊँगा और मैं आपको ये प्लस का ऑप्शन है ये सिर्फ मॉडरेटर के पास होता है, ये सिर्फ होस्ट के पास होता है। जो क्लास जो टीचर होगा उसके ये ऑप्शन शो हो रहा होगा। प्लस के साइन पर मैं क्लिक करूँगा तो तीन ऑप्शन मेरे पास आते हैं, स्टार्ट अ पोल, अपलोड अ प्रेजेंटेशन और शेयर अ एक्सटर्नल वीडियो। तो अपलोड अ प्रेजेंटेशन पर चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन को अपलोड कर लेता हूँ। राइटिंग इसको मैं यहाँ से अपलोड कर, ठीक है। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे शो हो रही है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरी तमाम स्लाइड्स आ रही हैं। जितनी भी स्लाइड्स होंगी इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो शो हो रही होंगी। मैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्लाइड पर, मैं चाहता हूँ सेकंड स्लाइड पे जाऊँ तो मैं यहाँ से सेकंड स्लाइड पर भी जा सकता हूँ। वापस मुझे फर्स्ट स्लाइड पर आना, फर्स्ट स्लाइड पर आ जाऊंगा। सेकंड जो लास्ट ऑप्शन है वो है शेयर अ एक्सटर्नल वीडियो। एक्सटर्नल वीडियो है कोई मेरे पास ऑलरेडी लिंक कॉपी हुआ हुआ है तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगा और यूट्यूब का लिंक है और इसको शेयर वीडियो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से आप अपने का हर किसी ये मतलब नहीं कि मैं उस इब्नुल अरबी को यहां जिंदान में कैद न... मैं स्टॉप शेयरिंग का एक्सटर्नल वीडियो क्लिक किया तो ये स्टॉप हो। लेफ्ट साइड पर देखेंगे यूजर, तो यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन है जहाँ से अपने तमाम स्टूडेंट्स को आप म्यूट कर सकते हैं, उनको अनम्यूट कर सकते हैं, उनके आइकॉन्स को चेंज कर सकते हैं, उनको लॉक व्यूअर एक ऑप्शन है। इसके अंदर आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो अपना वेबकैम शेयर करें, सी अदर व्यूअर्स वेबकैम्स, शेयर माइक्रोफोन, सेंड पब्लिक चैट मैसेजेस,
सेंड प्राइवेट चैट मैसेजेस, एडिट शेयर नोट्स सी अदर व्यूअर्स इन द यूजर लिस्ट। तो आप जिस तरह चाहें उसको अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इन चेक्स को ऑन कर देंगे, अनलॉक कर देंगे तो अप्लाई करेंगे तो ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। सो दैट्स इट। अच्छा, सबसे बेस्ट ऑप्शन का स्टार्ट रिकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा सिंपल, तो यहाँ पे वो मेरा जो भी प्रेजेंटेशन, जो भी मेरी क्लास हो रही होगी, ओवरऑल वो रिकॉर्ड होती रहेगी। और रिकॉर्ड होने के बाद मेरे पास उसका एक बैकअप फाइल आ जाएगी, ये मैं बाद में अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ। वापस पे क्लिक करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।